रईसी की मौत के बाद बड़ी बैठक, ईरानी टेलीविजन ने इसको लेकर जानकारी दी है। हेलीकॉप्टर क्रैश में रईसी की मौत के बाद बड़ी बैठक को लेकर यह अपडेट आ रहा है। विदेश मंत्री होसेन अमीर की भी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी बैठक इस वक्त ईरान में होने वाली है। विदेश मंत्री और राष्ट्रपति की मौत हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद। अब वहां पर जिस तरीके के हालात बने हुए, एकाएक बैठक बुलाई गई है। और देखिए लगातार क्यों कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी साजिश थी लगातार हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर। सबसे पहले आपको बड़े अपडेट दे देते हैं। जी हां, राष्ट्रपति रईसी की मौत की घोषणा कर दी गई है। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि ईरानी टेलीविजन पर इसका ऐलान भी कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत की पुष्टि कर दी गई है। हादसे में विदेश मंत्री हुसैन अमीर की मौत की भी पुष्टि कर दी गई है। 19 घंटे बाद हेलीकॉप्टर क्रैश का मलबा भी मिल गया है। हेलीकॉप्टर का मलबा भी मिल गया रेस्क्यू टीम को, और हेलीकॉप्टर के मलबे का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। हेलीकॉप्टर में सवार कोई भी जीवित नहीं बचा है। ईरान और समर्थक देशों में शोक की लहर भी है, और ईरान में गवर्नमेंट बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है। ईरान के अगले राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर होंगे, इसका भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि भारत आने वाले थे ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। एक और बड़ी खबर, भारत दौरे की तैयारी चल रही थी। पिछले महीने ईरान के राजदूत ने इसकी जानकारी दी थी। राष्ट्रपति रईसी के भारत दौरे की ये जानकारी दी गई थी, और उसी को लेकर चल रही तैयारियों के बारे में भी इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि अब से थोड़े दिनों बाद भारत आने वाले थे ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने रईसी की मौत पर दुख जताया है। रईसी के निधन से दुख हुआ, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यह कहा गया है। रईसी ने संबंधों को मजबूती दी, ईरानी लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है प्रधानमंत्री मोदी ने। तो हेलीकॉप्टर क्रैश में इस बात की अब तक आशंका व्यक्त की जा रही थी कि रईसी की मौत हो गई, लेकिन इसे अब कन्फर्म कर दिया गया, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदना व्यक्त की है। तो इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर जिस तरीके से बड़े इनपुट आ रहे हैं, मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, आधिकारिक ऐलान आखिर तौर पर कर दिया गया है, और इस बीच जारी बैठक के बारे में फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के राष्ट्रपति के मारे जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री समेत 9 लोगों के मारे जाने को लेकर दुख जताया है, क्योंकि भारत और ईरान के बहुत अच्छे संबंध हैं। हम बता रहे हैं दर्शकों को कि ईरान के राष्ट्रपति का कार्यक्रम था, उसमें विदेश मंत्री भी आते, इसी साल के अंत तक उनको आना था। भारत का दौरे को लेकर उनकी तैयारियां चल रही थी, लेकिन अब जबकि वो नहीं रहे, तो फिर ऐसी स्थिति में ईरान में क्या चल रहा है? ईरान में इस वक्त सबसे बड़ी जो उनकी उनका संगठन है, उसकी बैठक चल रही है। सुप्रीम लीडर और बाकी लोग मिलकर अब यह तय करेंगे कि आगे की कार्रवाई क्या होगी, और उसमें सबसे पहले है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर मोहम्मद मुखबर का नाम है, क्योंकि ईरान का संविधान यही कहता है कि जो सबसे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है वही टेक केयर प्रेसिडेंट बनेंगे अगले 50 दिनों के लिए। लेकिन इससे बढ़कर जो बात है वो ये जांचने में लगे हैं कि आखिरकार इसके पीछे कौन है, और अगर कहीं से भी जांच एजेंसियों को शक की सुई लगती है साजिश की तरफ, जिसकी तरफ बार बार इशारा होता है, तो फिर आप कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में भूचाल आने वाला है। और इसी की आशंका सबसे ज्यादा प्रबल इस वक्त नजर आ रही है। एयर मार्शल राजेश कुमार सर, इस वक्त जो साजिश के एंगल पर लगातार बात की जा रही है, यह भी कहा जा रहा है कि जो हालात बने उससे क्या बचा जा सकता था, अवर्ट किया जा सकता था। 3 हेलीकॉप्टर्स थे, 2 की सेफ लैंडिंग हो गई, और जिसमें रईसी मौजूद थे उसका क्रैश हो जाना कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालों को जन्म देता। जरूर, सवाल तो बहुत उठ रहे हैं, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो टाइमिंग है, जो अगर ये या साजिश हो या हादसा हो, लेकिन जो टाइम इसका हुआ है ये बहुत ही एक नाजुक टाइम है। और जिस तरह से इज़राइल हमास की तरफ एक्शन ले रहा है, और हिजबुल्ला जो है इज़राइल की अगेंस्ट एक्शन ले रहा है, तो मेरे हिसाब से ये तनाव को ज़रूर बढ़ाएगा। और इसका जो असर है उसमें, अब ये जो इमरजेंसी मीटिंग होगी उसमें ये डिसाइड होगा कि किस तरह से इस पर रिस्पॉन्ड किया जाए। क्या हम डायरेक्टली इसराइल के साथ रिस्पॉन्ड करें, या उनके प्रॉक्सीज के ऊपर रिस्पॉन्ड करें, जैसे उनके कुछ इंटरेस्ट हैं इराक में, इनको कुछ इंटरेस्ट हैं अजरबैजान में, हो सकता है उस तरफ भी ईरान का ध्यान जाए।
तो अभी जो स्थिति है बहुत ही नाजुक है और जो ईरान का रिएक्शन है वो सभी उस सबकी नज़रें जो है ईरान के रिएक्शन पे हैं और किस तरह से वो एक्शन लेगा तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह का भूचाल जो है मिडल ईस्ट। हालांकि जो बात आप कह रहे हैं वो स्पेक्यूलेशंस क्यों और किस आधार पर लगाए जा रहे हैं इसको लेकर भी आगे एक और सबसे बड़ी खबर है सर। उस खबर पर रुक करने से पहले तीन तस्वीरें एक साथ दिखा देते हैं क्योंकि ये तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तस्वीरें उड़ान भरने से पहले की तस्वीर आपके सामने है और जिस वक्त वो हेलीकॉप्टर में सवार थे। और मनीष एक क्विक रिएक्शन इन तस्वीरों के लिहाज से इसलिए भी जानना चाहती हूं क्योंकि अचानक बदले इस घटनाक्रम ने आज की स्थिति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल, देखिए 24 घंटे की ये तीन तस्वीरें ईरान और मिडिल ईस्ट को लेकर सब कुछ बदल कर रख दिया है। पहली तस्वीर है जिसमें ईरान के राष्ट्रपति और अजरबैजान के राष्ट्रपति दोनों हैंडशेक कर रहे हैं क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति गए थे अजरबैजान जहां पर की जो बांध निर्माण का एक प्रोजेक्ट था उसका उद्घाटन करने गए थे। दूसरी तस्वीर जब अजरबैजान के राष्ट्रपति से मिलने के बाद वो हेलीकॉप्टर पर सवार होते हैं उस हेलीकॉप्टर पर जिसमें वो ईरान के राष्ट्रपति विदेश मंत्री और बाकी और लोग उस हेलीकॉप्टर पर सवार होते हैं उड़ान भरता है उस वक्त की तस्वीरें। और तीसरी वो तस्वीरें जिसे कोई नहीं देखना चाहता था ना ईरान ना मिडिल ईस्ट ना कोई दुनिया और वही तस्वीरें हैं कि वो हेलीकॉप्टर का मलबा जिसमें ईरान के राष्ट्रपति। जो तीसरी तस्वीर सामने आई है मौत की खबर सामने आई है उसी आधार पर प्रतिमा ये बड़ा सवाल है रईसी की हत्या हुई या इंटरनेशनल साजिश। और अब एक और बड़ी खबर प्रतिमा लेकर जांच भी अब आगे होगी और सच सामने आ जाएगा लेकिन बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो अब आपके सामने। 7 दिन में एटमी पावर बनने वाला था ईरान IAEA के डायरेक्टर का सबसे बड़ा दावा रईसी के नेतृत्व में ही ईरान परमाणु पावर बनता तो ऐसे में साजिश के हर एंगल की अब बात की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने है आपके IAEA के डायरेक्टर का ये सबसे बड़ा दावा रईसी के नेतृत्व में ईरान परमाणु पावर बनता। और देखिए लगातार कहा क्यों जा रहा है कि क्या हेलीकॉप्टर क्रैश का परमाणु बम से कोई कनेक्शन है ये पॉसिबिलिटी क्यों है क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि IAEA के डायरेक्टर और राफेल ग्रोसी का बड़ा बयान दावा है इस मामले में। सिर्फ 7 दिन में एटमी शक्ति बनने वाला था ईरान। संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर निगरानी एजेंसी है IAEA और ईरान के पास बेहतर क्वालिटी की यूरेनियम का भी भंडार है ये भी कहा गया है। देखिए 18 गुना ज्यादा बेहतर क्वालिटी के यूरेनियम का भंडार है ईरान के पास। 90% क्वालिटी वाले यूरेनियम की भी का भी भंडार है IAEA की तरफ से कहा गया है और खासतौर पे ये भी कि एटम बम के लिए 90% क्वालिटी वाले यूरेनियम जरूरी होता है। IAEA को एटमी प्रोग्राम पर नजर रखने का कोर रोक चुका था खासतौर पर ईरान पर सैंक्शंस लगाए थे। ईरान ने पहले ही UN की निगरानी उपकरणों को हटा दिया था और देखिए लगातार ये इसलिए भी क्योंकि अभी इन सैंक्शंस के बाद भी ईरान ने ये कर दिखा। मैं पुष्पेश सर के पास जाना चाहूँगा। पुष्पेश सर देखिए ये हम सब जानते हैं कि ईरान के ऊपर ये सैंक्शंस बहुत लंबे से लगे लेकिन फिर भी उसने कैपेबिलिटीज हासिल की और अब इस क्रैश के बाद ये प्रबल बात हो जाती है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ की जो ब्यूरो उनकी जो लीडरशिप है उसको हिलाने के लिए उसको डाइवर्ट करने के लिए तो नहीं किया गया। देखिए सोचा तो जा सकता है कि ये किया या कम से कम उनके पारमाणविक कार्यक्रम को कुछ देर के लिए रोकने के लिए प्रयास सफल हो सकता है मगर यदि आप पारमाणविक प्रसार का प्रोलिफरेशन का इतिहास देखें तो कोई भी सैंक्शन किसी को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने से रोक नहीं सके हैं वो उत्तरी कोरिया हो या स्वयं इसराइल हो या एक बार ये कहा जाता था कि भारत के प्रति भी सारे प्रतिबंध लगाए गए थे और आज भी भारत को यदि अप्रसार संधि का कीमत चुकानी पड़ती है तो सिर्फ इस कारण कि उसने घोषणा नहीं की थी इसके पहले कि वो परमाणु अस्त्र संपन्न देश है तो मैं ये मानने को तो तैयार हूँ कि शायद इस दुर्घटना या साजिश कुछ भी आप कहें इससे कुछ समय के लिए वो घोषणा रुक सकती है कि ईरान आज परमाणु शक्ति बन चुका है मगर देर तक उसे रोकना असंभव है। 5 उनके पारमाणविक शिखर के वैज्ञानिकों की हत्या की गई है मोसाद के द्वारा और भले उसको नकारते रहे हों और उनके संयंत्रों में सबोटाज हुआ है घुसपैठ हुई है मगर कुल मिलाकर आप ऐसा नहीं कर सकते कि अमेरिकी सैंक्शंस के कारण कोई शक्ति कोई भी देश परमाणु शक्ति संपन्न बनने से रुक जाए। त्रिपाठी सर लेकिन ईरान का परमाणु विस्तार किस किसके लिए सबसे बड़ा खतरा और किस आधार पर ये माने कि ये एक मुख्य तौर पर वजह हो सकती है राष्ट्रपति को निशाने पर लेने के। सुरभि मैं एक चीज इसमें ऐड करना जरा चाहता हूं जो न्यूक्लियर हम बात कर रहे हैं परमाणु की। देखिए 1960 के दशक में शुरू हुआ था परमाणु जो इन समझौता हुआ था और अमेरिका में प्रेसिडेंट आइजनहावर थे
जिन्होंने अप्रूव किया था और इनका जो न्यूक्लियर पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ था 2010 का जो टाइम था उसमें काफ़ी कुछ आगे बढ़ गया था ईरान और उससे पहले से सैंक्शंस लगने शुरू हो गए थे। 2010 में इनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे फखरुद्दीन जो समझौते में 1960 के दशक में के बाद आगे थे उनकी हत्या हुई और लगातार 5 साइंटिस्ट की हत्या हुई है इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। IAEA का जो भी UNO का जो इनके ऊपर जो गाइडलाइंस थे उसको मानने से इनकार कर दिया था ईरान ने। उसने बोला कि हम जो आपने बोला है हम पीसफुल न्यूक्लियर अपनी कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कि जो वहाँ पर लगी हुई थी वीडियो कैमराज उनको भी इनफेक्टिव कर दिया था। तो ये बहुत कम लग रहा था कि ईरान अब पहुँच रहा है 90% यूरेनियम प्रोसेसिंग पर। इसीलिए सर सॉरी टू बटन बड़ी खबर यही है क्योंकि रईसी ने अब सीक्रेट परमाणु प्लान बनाया था। दो मुस्लिम देश परमाणु शक्ति बनने वाले थे और रईसी ने आठवीं विस्तार का जो प्लान बनाया था उसी आधार पर इस बड़ी खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ईरान की यही परमाणु विस्तार की नीति को देखते हुए अब उन्हें निशाने पर लिया गया। ये सवाल हम एक्सपर्ट से इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। जहां रईसी ने सीक्रेट परमाणु प्लान बनाया, दो मुस्लिम देश परमाणु शक्ति बनने वाले थे और रईसी ने आठवीं विस्तार का जो प्लान बनाया था उसी बारे में और डिटेल इनपुट भी प्रतिमा सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और जो डिटेल इनपुट हमारे पास है वो आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। क्या रईसी के प्लान से अमेरिका नाराज था, ये सबसे बड़ा सवाल क्यों उठ रहा है ये समझ लीजिए। दरअसल ईरान का आठवीं विस्तार दो और मुस्लिम देश तक होने वाला था, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इब्राहिम रईसी दो मुस्लिम देशों को परमाणु बम देने वाले थे, यानी इसका विस्तार किस तरीके से होने वाला था इसे समझिए। मिडिल ईस्ट के दो और मुस्लिम देश परमाणु संपन्न होने वाले थे। रईसी के इस प्लान के कामयाब होने पर इब्राहिम रईसी ने ही बनाया था ईरान का आठवीं विस्तार का प्लान। इब्राहिम रईसी के प्लान पर आगे बढ़ रहा था ईरानी एजेंसी, ये जानकारी भी सामने मिल रही है। इसके अलावा आपको बता दें दोनों मुस्लिम देश को सभी परमाणु तकनीक देने वाला था ईरान, ये भी सवाल। लेकिन अब सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या अरब में आठवीं विस्तार इसराइल यूएस के लिए बड़ा खतरा था, इसी सवाल पर जानेंगे एक्सपर्ट से जवाब। एक और महत्वपूर्ण सवाल कि क्या पश्चिमी देश और अमेरिकी एजेंसी रईसी के प्लान से घबरा गए थे। लगातार यही सवाल है कि आखिरकार क्या ईरान के प्लान से अमेरिका और बाकी देश घबरा गए थे। और कहा यह जा रहा है कि ईरान में न्यूक्लियर ठिकाना कहां कहां पर है। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि अराका हैवी वाटर रिएक्टर ये एक जगह है, बुशरा एटमी पावर प्लांट और इस्फ्रहान एटमी पावर प्लांट और बुना परमाणु रिसर्च लैब और फोर्दो पर एटमी पावर प्लांट के बारे में बताया जा रहा है और नेताज न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट बताया जा रहा है। और देखिए ये सारे वो प्लांट है जहां पर ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज मौजूद है। अब एक सवाल मनीष उस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस इसको लेकर स्पेक्यूलेशंस बहुत लगाए जाते हैं। आज ये जो इनपुट इस वक्त हमने ग्राफिकली दिया है ये एक और सबसे बड़ा सबूत जो दुनिया के सामने। देखिए ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में आगे बढ़ रहा था, बहुत तेजी से चल रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं, कभी भी किसी भी दिन वो परमाणु बम बनाने की घोषणा कर सकता था। लेकिन क्या राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के मारे जाने के बाद इस परमाणु कार्यक्रम में कहीं से पॉज या स्टॉप लगेगा? हरगिज नहीं। वो इसलिए क्योंकि ईरान जो है वो राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से नहीं चलता है, ईरान चलता है उसके सुप्रीम लीडर से, ईरान चलता है IRGC से। जब तक सुप्रीम लीडर और IRGC का प्लानिंग है कि इसे आगे बढ़ाना है तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि यह खतरा बना ही रहेगा। बस दुआ करिए कि कहीं से साजिश का कोई सुराग ना मिले, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर सुप्रीम लीडर जिस कट्टर विचारधारा के साथ है, IRGC जिस तरह से अग्रेसिव है, वैसी स्थिति में फिर नौबत बन जाएगी पश्चिमी देशों के साथ टकराहट की, इसराइल के साथ लड़ाई की, अमेरिका के साथ तनातनी की, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है जो कभी भी हो सकता है। जी बड़ी बात आप कह रहे हैं और देखिए ऐसे हालात न बने इसके लिए जरूरी है कि सच सामने आए। इस बीच बड़ी खबर बता देते हैं, हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला के बेटे हादी नसरल्ला की इसराइल को धमकी, हेलीकॉप्टर क्रैश में इसराइल का हाथ आया तो दुनिया का नक्शा बदल देंगे। तो इस बीच बता दें हादसा या साजिश आगे क्या होगा इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच क्यों क्या कुछ आशंकाएं बनी हुई हैं उसको भी जरा समझ लीजिए। जो पहली आशंका है वो ये कि मिडिल ईस्ट में अब जिस तरीके के हालात है आगे युद्ध और भड़क सकता है, ये बड़ा सवाल है। दूसरी आशंका के तहत भी ईरान के निशाने पर इसराइल होगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। इन्हीं आशंकाओं के तहत ये देखना जरूरी है कि अगला कदम क्या उठाया जाता है। प्रतिमा तीसरी आशंका ईरान इसराइल में क्या सीधा युद्ध होगा, और इस बीच चौथी आशंका आपके सामने जंग में अमेरिका भी क्या शामिल होगा अगर ऐसे हालात बने तो।
हालांकि पांचवी आशंका यह कि दुनिया दो गुटों में बटेगी, विश्व युद्ध का खतरा भी ऐसे में बढ़ता जा रहा है। लेकिन हादसा या साजिश, आगे के इन आशंकाओं को देखते हुए सबसे पहले त्रिपाठी सर, ये पहली आशंका के तहत आपके सामने सवाल रख रही हूं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के हालात बहुत इंपॉर्टेंट है और मिडिल ईस्ट के हालात पर आने वाले वक्त में क्या असर देखने को मिल सकता है। त्रिपाठी सर, देखिए सभी, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि देखिए इजराइल और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर काफ़ी ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी, वो भी वहीं रुक गई। जो अभी ईरान जो है हिजबुल्ला और हौतीज़ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को मदद दे रहा है, सवाल ये उठता है कि मदद दे रहा था, अब कितनी मदद जारी रहेगी, कितनी आगे बढ़ती है, क्योंकि आशंका डायरेक्ट युद्ध की तो है नहीं अमेरिका और ईरान में, क्योंकि दोनों को पता है कि काफ़ी इससे नुकसान होगा। ईरान जो है अपने प्रॉक्सीज़ की मदद से उनके ऊपर काफ़ी कुछ कर सकता है। अभी न्यूज़ जो देखी आई थी कि हिजबुल्ला ने अपना एक हेडक्वार्टर तुर्की में भी बना लिया है, तुर्की में, ऐसे लोग आगे बढ़ते रहेंगे अगर, तो ये जितने भी अमेरिका के बेसेज हैं या अमेरिका के लोग हैं, इजराइल के लोग बाहर हैं, उन पर जो है हमला हो सकता है, अटैक्स हो सकते हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और इस बीच जो दूसरी आशंका है उस पर बात करना भी जरूरी हो जाता है। सुमित, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्या अगर ये जो तमाम आशंकाएं सच होती हुई नजर आती हैं कि इसमें साजिश हो सकती है किसी की, तो क्या ईरान के निशाने पर इजराइल होगा, और अगर होगा तो हालात क्या हो? देखिए, आप मान के चलिए कि खासतौर पर अगर आप सीरिया के अंदर उनके कॉन्सुलेट पर अटैक होता है और करीबन 300 से ज्यादा मिसाइलें दाग देता है, तो निश्चित तौर पर अगर कोई भी कॉन्स्पिरेसी के तार इसराइल से जुड़ते हैं, मोसाद से जुड़ते हैं या फिर दूसरे देशों से जुड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर ईरान बड़ा हमला करेगा, क्योंकि ये ईरान के आप लीडर के साथ जुड़ा हुआ है, ये उनके प्रेसिडेंट के साथ जुड़ा हुआ है। और सबसे खास बात ये कि ईरान इसको लेकर इस समय बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ईरान लगातार ये बात कह चुका है कि उसके किसी भी लीडर पर, किसी भी शख्स पर अगर इस तरह के अटैक हुए तो निश्चित तौर पर वो उसको वॉर की कैटेगरी में मानेगा। तो निश्चित तौर पर अभी ये देखना होगा। हालांकि अभी देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उसका सबसे अभी जो उसका मकसद है क्या है, वो लगातार उन बॉडीज को आइडेंटिफाई कर रहा है, डीएनए के लिए चीजों को भेजा जा रहा है, आखिरकार ये हेलीकॉप्टर में कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं था ये जांचा जा रहा है, दोनों पायलट जो लगातार उसमें मौजूद थे क्या उनकी जो मानसिक स्थिति थी ठीक थी, क्या वो फिट थे, क्या उनको कोई दिक्कत तो नहीं थी, क्लाइमेट के साथ साथ कोई और दूसरी आशंकाएं तो नहीं थी, तो ये सारी चीजों को तलाशा जा रहा है और उसके बाद ही इन चीजों के तार जोड़े जाएंगे। और निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन ये भी आएगी क्या इसमें कोई बाहरी देश का इन्फ्लुएंस तो नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटीज के ऊपर सारी चीजें जाएंगी। लेकिन क्योंकि हम मिडिल ईस्ट के हालात के बारे में बात कर रहे हैं, अब सवाल राजेश सर आपसे, मिडिल ईस्ट के इस हालात में ईरान की भूमिका और अमेरिका की भूमिका, हालांकि यहां शैडो वॉर का इतिहास हमेशा रहा है, लेकिन क्या ऐसे में डायरेक्ट वॉर की सिचुएशन नजर आ रही है? देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ फिर दर्शकों को रिमाइंड करना चाहूँगा कि अगर आप क्रैश साइट को देखें तो ये टिपिकल क्रैश साइट है कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन की। Okay. मतलब बैड वेदर और हिल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है और जिस तरह के हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उस हिसाब से उस टाइप की क्रैश साइट लग रही है। तो जब हालांकि इसकी चीज़ की पुष्टि नहीं हो सकती, लेकिन ये भी नकारा नहीं जा सकता कि ये एक दुर्घटना है। तो साजिश एक तरफ है, दुर्घटना एक तरफ है। ईरान दुर्घटना मानने के लिए तैयार है? तो देखिए, जब अगर साजिश हुई और ऑलरेडी ईरान ने धमकी दी है कि अगर जो है हम अगर इसराइल का इसमें हाथ दिखा तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आप ये भी देखना है कि इसराइल और ईरान के बीच में डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है और फासला काफ़ी है, तो किस तरह से उन पे अटैक किया जाएगा, क्या किया जाएगा और क्या स्थिति बनती है अगर ये साजिश जो है हालात को लेकर ही सर सबसे बड़ी चिंता इस वक्त है। पुष्पेश सर, ये बताइए, जिस तरीके के हालात बने हुए, पहले ही रूस यूक्रेन के मोर्चे पर दुनिया बटी हुई नजर आई, इसराइल हमास के मुद्दे पर बटी हुई नजर आई, और अब आपको यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर किस तरीके के हालात आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं, विश्व युद्ध का खतरा कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, मेरा मानना है कि विश्व युद्ध का खतरा एकाएक नहीं बढ़ रहा है। मैं ब्रिगेडियर त्रिपाठी से सहमत हूँ कि इसराइल को अगर आप निशाने पर रखते हैं तो उन पर सीधा हमला करना ज़रूरी नहीं है। उनके जो प्रॉक्सीज हैं तुर्की से लेकर के बिल्कुल अजरबैजान तक, ऐसी घेराबंदी इसराइल की जा सकती है कि उनकी नाक में नकेल अपने आप पड़ सकती है। हाँ, एक बात विचित्र है कि जब जनरल सुलेमानी की हत्या हुई थी तब भी इसने ईरान ने संयम बरता, जब उनके वैज्ञानिक मारे गए, उनके परमाणु संयंत्रों में घुसपैठ तोड़फोड़ हुई, इन्होंने संयम बरता, तो कब तक ईरान का कोई भी नेता, वो सर्वोच्च नेता खमैनी हो या राष्ट्रपति हो या वहाँ का ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड हो, कब तक चुप बैठा रहेगा इन हमलों से, और कब तक अब वो अपनी अर्थव्यवस्था को सैंक्शंस की वजह से ध्वस्त होता देखेगा? तो एक
पीढ़ीगत संघर्ष वहाँ भीतर चल रहा है, मगर वो इसराइल में भी चल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये वॉर ऑफ एट्रिशन चलता रहेगा और कहीं ना कहीं इसका एक असर संक्षेप में मैं कहूँगा ये होगा कि जो शिया सुन्नी विवाद था एक न एक दिन इस पूरे पश्चिमी एशियाई भूभाग में इस ज्योग्राफी में वो मुसलमानों का एक होना सामने नजर आ रहा है। और जहाँ तक तेल की राजनीति है वो भी अमेरिका के चंगुल से बाहर निकल के फॉसिल फ्री फ्यूचर के बारे में सऊदी अरब भी सोच रहा है, खाड़ी के देश भी सोच रहे हैं। बिल्कुल सर, लेकिन इस बीच एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे क्योंकि रईसी की मौत पर ईरान में शोक की अब तस्वीरें भी सामने आ रही है और रोते हुए नजर आए रईसी कैबिनेट के मंत्री। हालांकि ये तस्वीरें लगातार अब सामने आ रही है साजिश और दुर्घटना को लेकर जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं उसके बीच मनीष ये अब तस्वीरें भी आने शुरू हो गई। बिल्कुल, देखिए एक बार जैसे ही आधिकारिक ऐलान हो गया और उसके बाद जो उपराष्ट्रपति मुखबर हैं उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग ली है और कैबिनेट की मीटिंग के दरमियान जो इब्राहिम रईसी की कुर्सी थी यानी प्रेसिडेंट की कुर्सी वह उनके ठीक बगल में एक तस्वीर को खड़ी रखा गया और कुर्सी पर एक काला रंग का एक कहिए टॉवेल जो है वो रख दिया गया था। और निश्चित तौर पर उसके बाद उन्होंने कहा है कि उपराष्ट्रपति ने कहा है कि देश का कामकाज जो है वो रुकना नहीं चाहिए, वो काम चलना चाहिए, लेकिन वो संभव नहीं है। काफ़ी तनाव, काफ़ी इमोशन का माहौल है और होना भी चाहिए। देश के राष्ट्रपति, देश के विदेश मंत्री समेत 9 लोग नहीं रहे और एक ऐसा हादसा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी वो अचानक हो गया। ईरान में एक लीडरशिप क्राइसिस भी देखने को मिल रहा है फिलहाल इस वक्त, अगले 50 दिन के बाद एक नया लीडर बनकर उभरेगा, लेकिन इस वक्त के हालात मनीष जैसा कि आप बता रहे हैं कि शोक की लहर इस वक्त ईरान में है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहां तक की संवेदना व्यक्त की। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।